श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मन का होता है शुद्धिकरण। जनपद हमीरपुर की तहसील राठ क्षेत्र के सरसई गांव में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा पुराण के दौरान वृंदावन धाम से पधारे कथावाचक शास्त्री पंडित योगेंद्र तिवारी ने कहा कि श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष माना गया है, जिसके श्रवण मात्र से सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है, जिसके श्रवण मात्र से ही मन का शुद्धिकरण होता है, लेकिन भागवत कथा का दर्शन हर किसी को यूं ही प्राप्त नहीं होता और पावन हृदय से इसका स्मरण मात्र करने पर करोड़ों पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणी को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। इस दौरान परीक्षक नीलम दिनेश मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, राजेंद्र द्विवेदी, अवधेश त्रिपाठी, मनोज कुमार, शशिबाला त्रिपाठी, संगीता, पुष्पा मिश्रा और रागनी आदि सैकड़ों भक्तों की भीड़ रही।